जो है हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास। कुलेश्वर नाथ जी के मामा है यहाँ पे, तो मंदिर का दर्शन कर सके अच्छे से। बोलबम बोलबम, वाकई झूला ठीक लगा था अभी दोस्तों। दिख रहा है आपको कैसे झूला जो है हिल रहा है। हम लोग एकदम बीच में खड़े हैं झूले के, इसमें आप जल्दी जल्दी कथकली डांस सीख जाओगे यार। चलो यार लक्ष्मण झूला में चलते हैं अभी यहाँ से, ठीक है। यह राजिम का लक्ष्मण। दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको राजिम के लक्ष्मण झूला को दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए लक्ष्मण झूला को राजिम का, ये तीन नदियों के संगम के बीच में बना है, ठीक है। और राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर तक के लिए जो लक्ष्मण झूला बना है खास लोगों के लिए, ताकि ऐसे बाढ़ के दिनों में भी तो मंदिर का दर्शन कर सके अच्छे से, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बना यार, थोड़ा बड़ा भी है ये। रायपुर के महादेव घाट के जो लक्ष्मण झूला उससे थोड़ा बड़ा ही है। और भैया आप ये जानते हो क्या, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी आई है सड़क का, मतलब ये है उधर से महानंदी आता है और ये सोडू पैरी इधर आता होगा फिर, नहीं दोनों आगे से गरियाबंद के आसपास मिला है। अच्छा ये सोडू और पैरी, हाँ। तो इधर कौन सा नदी है ये वाला, तीनों संगम हो गया क्या? अच्छा तीनों का संगम होकर इधर आता है ऐसे, यहाँ पर संगम हो रहा है देखो इधर यहाँ बीच में ना, ये नदी और वो नदी उधर। हाँ तो जैसे कि एक भैया ने हमें बताया यार कि नदी का कौन कौन सी नदी का किस किस दिशा से आती है संगम होता है। इधर से आते हैं सोडूर और पैरी नदी, ठीक है, और जो कि गरियाबंद में जाके होते मिलते हैं, और इधर से आता है अपना महानदी। तीनों का जो संगम है यहाँ बीच में होता है। काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे दर्शन। तो इस तरफ से आती है पैरी और सोडूर नदी, ठीक है, जो कि गरियाबंद से होते हुए आती है। और जैसे आप इस तरफ आते हो ना, इस तरफ देखिए यहाँ से आती है महानदी। तीनों का संगम जो है आगे यहाँ पर होता है, और तीनों आगे संगम जो है आगे बहती है, इसलिए इनको त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि तीन नदियों का संगम होता है यहाँ पर। तो अभी थोड़ा और दूर है कुलेश्वर मंदिर, चलिए चलते आगे यार। तो अभी हम लगभग शायद जो लक्ष्मण झूला है उसके बीच में है, और यहाँ पर जो झूला है ना वो थोड़ा राइट टू लेफ्ट जो है हिल रहा है, ठीक है। जैसे देख सकते हो झूला थोड़ा मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे वाकई लग रहा है कि लक्ष्मण झूला है ना, झूले के जैसा झूला है, झूला है ना। यहाँ पे वाकई झूला ठीक लगा था ना अभी, और रिएक्शन तो दे जी, रिएक्शन देने से शर्मा गए लोग। अरे भाई देखो तो यार कितना मस्त हिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, वाकई लग रहा है कि हम झूले में आ गया थोड़ा, ठीक है। कई मस्ती चल रही है, ऊपर दिख रहा होगा आपको झूला ही होगा भाई। यहाँ पे हम लोग एकदम ना बीच में है झूले के, ठीक है, और यहाँ पे झूला ना राइट टू लेफ्ट हिल रहा है, तो देख सकते हो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है लक्ष्मण झूला का, ठीक है। और कुछ बंदे लोग हैं जो झूले को और ज़्यादा जोर से झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो भाई लोग। यहाँ पे आप अपने मोबाइल को अच्छे से रखे रहिएगा पकड़ के, नहीं तो एक बार छूटा ना सीधे नीचे जाएगा नदी में। बोलबम बोलबम, देखिए बोलबम वाले हैं कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आ रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे यार। दोस्तों दिख रहा है आपको कैसे झूला जो है हिल रहा है। हम लोग एकदम बीच में खड़े हैं झूले के, तो ये एक्सपीरियंस आपको जब झूले के बीच में आओगे ना तभी मिलेगा, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से हिल रहा है झूला, ठीक है। आइए आपको आगे और मैं वीडियो दिखाता हूँ। और भाई मज़ा आ रहा है, अरे यार इसमें आप जल्दी जल्दी कथकली डांस सीख जाओगे यार। और यहाँ पे तो फिर तो ये झूला ज़्यादा ही झूला, हाँ हाँ देख सकते हो भाई सब खड़ा है और कैसे अप डाउन हो रहा है ना, ठीक है। एक तरफा साले डर लगा था, अरे वहाँ एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था झूला कुछ ज़्यादा ही झूला।
देख सकते हो मैं एकदम मीड में खड़ा हूँ दोस्तों। झूले को देखो कैसे हिल रहा है झूला। अपन खड़े एकदम स्टॉप ना, लेकिन ये झूला जो है झूले की तरफ हिल रहा है। इधर से देखिए पब्लिक लोग आ रहे हैं, झूलते नाचते हुए आ रहे हैं भाई। इधर कैसे भाई लोग, मजा आ गया? सभी लोग जो है झूलने का मजा ले रहे हैं। लक्ष्मण झूला इधर से उधर होते हुए आ रहे हैं। क्या था एक्सपीरियंस। कुछ लोग तो झूले को पकड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि गिर जाएंगे। ठीक है, भाई यहाँ पे तो ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है यार। ठीक है, यहाँ पे झूला ज़्यादा वाइब्रेट, यहाँ पे आके जो है झूला ना वाइब्रेट करना बंद कर देगा। ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ से आप आपको एकदम नॉर्मल रास्ता मिलेगा इस साइड, ये एकदम नॉर्मल रहने वाला है। यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, यहाँ तक वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा झूला। तो दोस्तों इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ लक्ष्मण झूला को दिखाया हूँ। अगले व्लॉग में हम देखेंगे कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर और लोमस ऋषि का आश्रम। क्या आ चुके हैं, चलिए चलते हैं आगे।